जब 19 को सत्ता पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर उस वक्त गद्दारी कर पवार साहब के साथ गए, जब हिंदुत्व याद नहीं है, नहीं आया याद, वो हिंदुत्व और असली शिवसेना के बारे में कह रहे हैं। ये शिवसेना में कब आया? तो कोई हमारे पंतप्रधान जी के ऊपर बोलने का कोई अधिकार नहीं है, औकात नहीं है, औकात नहीं उनकी। हम इकट्ठे आए, जय हिंद जय जी। वो तो आपको करना पड़ेगा। जी 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 प्लीज। अध्यक्ष महोदय, अविश्वास के प्रस्ताव पर इस सदन में काफी मान्यवर का भाषण मैंने सुना और उसके बाद अभी शिवसेना उद्धव ग्रुप के अरविंद सावंत जी का भाषण सुनते वक्त मुझे लगा कि मैं दिल्ली में नहीं, महाराष्ट्र में विधानसभा में बैठा हूं। तो इसलिए अरे अरविंद, अभी आपका सुना ना, मैं अभी मेरा सुन। माननीय मंत्री जी बोलिए जी। अध्यक्ष महोदय, अविश्वास का प्रस्ताव पे उन्होंने जो उसके पहले सम्माननीय शिंदे साहब ने जो विचार रखे उनको उत्तर देने का काम किया और उन्होंने हिंदुत्व की भाषा की, उसका शिवसेना का, इनका गट का, उद्धव जी गट का, गट ग्रुप का हिंदुत्व किस तरह का है उसका भी बारे में उन्होंने कुछ कहा। अब हिंदुत्व के बारे में इतने हो, हिंदुत्व चाहते हैं, उनको गर्व है, तो जब 19 को सत्ता पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर उस वक्त गद्दारी कर पवार साहब के साथ गए, जब हिंदुत्व याद नहीं है, नहीं आया याद सर? अभी वो एक मिनट सर, वो हिंदुत्व और असली शिवसेना के बारे में कह रहे हैं। ये शिवसेना में कब आया? मैं 1967 का शिवसैनिक हूं, साथ में 1900। अरे बैठ पीछे बैठ, व्यक्तिगत मंत्री जी, माननीय मंत्री जी प्लीज, क्या एकदम है प्लीज, नो नो नो, माननीय मंत्री जी प्लीज, ना उनको बैठने को प्लीज, डोंट बी पर्सनल प्लीज। बोला जी ना, हम लोग कोई भी नहीं कुछ बोले। वैयक्तिक टिप्पणी से बचिए प्लीज, वैयक्तिक टिप्पणी से बचिए प्लीज सर। अभी वो भारतीय जनता पार्टी माननीय एक, अरे पार्टी बदलने को भी ताकत लगता है, तुम लोग को छोड़ के गए ना। अरे छोड़, माननीय मंत्री जी इधर इधर, एड्रेस द चेयर ओनली, एड्रेस द चेयर ओनली। मैं पार्टी छोड़ा ना, ये 220 लोगों ने प्रोटेक्शन लिया था, 220 लोगों ने हो गया, ये क्या बात करते हैं अभी। थैंक यू सब, अभी कुछ नहीं बचे, अभी बचे नहीं है, खाली अभी जो आवाज आ रहे ना, वो बिल्ली का टाइगर का आवाज नहीं है, वो खत्म हो गए अभी। अभी वो उनको कोई हमारे पंतप्रधान जी के ऊपर बोलने का कोई अधिकार नहीं है, औकात नहीं है, औकात नहीं उनकी पंतप्रधान जी के ऊपर बोलने की। जी जी, अभी अपना देखो महाराष्ट्र में कहां तक है, कभी डूबने वाले वही देखो, मगर भारतीय जनता पार्टी और माननीय पंतप्रधान जी, हमारे माननीय अमित शाह, इनके ऊपर उंगली भी बताए ना। थैंक यू। तो तुम्हारी औकात में निकालूंगा, क्या असली इधर इधर में निकालूंगा। श्री सिमरनजीत सिंह मान जी, श्री सिमरनजीत सिंह जी, जी जी आप प्लीज प्लीज बैठ जाइए, बैठ जाइए प्लीज, हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब वर्षाकालीन सत्र है, थोड़ी गड़गड़ाहट, थोड़ी बारिश, ये लग रहा है कि होना ही है। बैठिए बैठिए अभी, अरे कई बैठिए तो सही, बैठ जाइए बैठिए, आप तो बैठिए। अब 12-13 दिन तो केवल गड़गड़ाहट हुई है, अब थोड़ी बूंदाबांदी हो रही है, उसका आनंद लीजिए, कड़वा मत कड़वाहट मत करिए प्लीज। जी मिस्टर चेयरमैन सर,
दिस मोशन